सुनी जी, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसके जाने का दुख तो आपको भी हो रहा होगा ना। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूं। आप मेरे बेटे को मेरे आंचल में ही रहने दीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने तो कुछ नहीं किया, इसीलिए तो उन्होंने किया। किस लिए बुलाया मुझे? किस के लिए? देखो ये सब अच्छी बात नहीं है। आखिर तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे राजा तुम ये सब नहीं करते मेरे साथ, इसलिए। ये क्या कह रहे हो तुम? शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहते हो? नहीं तो शादी नहीं करोगे मुझसे? भैया बिना टेस्ट लिए शादी करेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, और टेस्ट लेके भी शादी करेंगे तो भी क्या उखड़ने वाला है? हालात तो वही रहने वाले हैं। बिटिया छोड़ना मत। देखा तुमने कैसे तुम मेरे जाल में फंस गए? काश तुम मेरी बाहों में हमेशा के लिए आ जाओ मेरे राजा। कुछ खा लीजिए, नहीं तो पानी पी लीजिए। ये देखिए मिनरल वाटर है, इतने ऊपर से आए हैं, खा लीजिए, नहीं तो दिल्ली पुलिस आएगी तो भाग भी नहीं पाएंगे। तुम यहाँ बैठकर आखिर कर क्या रहे हो? बोरिया लादने के लिए ट्रैक्टर आने वाला है। अरे ट्रैक्टर तो क्या, यहाँ पे साइकिल भी नहीं आने दूंगा। आखिर क्यों नहीं आने दोगे? अगर ट्रैक्टर यहाँ आएगा तो इनकी जुताई बुआई हो जाएगी। भैया जी, भैया जी, भैया जी। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये पागल खाने से भाग आया है। पागल खाने से नहीं भागा, ये मेरा दोस्त। और वो क्या होता है? योगा कर रहा है, इसमें हवा से बातें करते हैं, इसमें सांस बाहर छोड़ते हैं और ताजी सांस अंदर लेते हैं। जाओ अपना काम कर। ठीक है। क्या हुआ, हालचाल ठीक तो है ना अंकल? अब तुम्हें क्या हाल बताओ, नींबू निचोड़ निचोड़ के मेरा खुद का नींबू पानी बन गया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी नींबू पानी पीते नहीं। ये देखिए, पैसों के साथ साथ लेटर भी छोड़ गए, इसमें लिखा है उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। अच्छा मैं भी देखूं। मगर पैसे तो दिख ही नहीं रहे। अपने हाथ फैलाइए। एक्चुअली वो 50-50 लाख के 3 बंडल छोड़ गए, जिसमें से 50 लाख आपकी टिप है। आपने उन्हें नींबू पानी पिलाया ना, आप नाराज नहीं हो ना? लेकिन ये बताओ मुझे पैसे दिख क्यों नहीं रहे? जब आपको पैसे देने वाले ही नहीं दिखाई दे रहे तो पैसे कहाँ से दिखाई देंगे? अरे ये सब छोड़ो, मुझे बस पैसे देखने हैं। मुझे भी उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो जहाँ तुमने अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाया था। ये सारे पैसे मेरे हैं। एक बात बताता हूँ, शॉर्टकट से पैसे कमाना भूल जाओ, अपनी मेहनत से पैसे कमाओ। आगे से शॉर्टकट नहीं मारोगे ना, जाओ निकल लो। आई लव यू। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे साथ कुछ दिन क्या बिताए सबको तुमसे लगाव हो गया। यह इस परिवार और मेरे इलाके के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। अपनी जिंदगी में एक तो अच्छा काम करते जाओ। इतनी पुलिस को यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम एक मर्डर की जांच करने आए। तुम मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मंदिर में आए हो? निकल जाओ यहाँ से। ये देखिए हमारे पास सबूत हैं, और कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो कानून को अपना काम करने दो। हम
हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान जांचने हैं। यहाँ आके उंगलियों के निशान दो। सर, खूनी के फिंगरप्रिंट्स और इसके फिंगरप्रिंट्स दोनों मैच हो रहे हैं, यही है हथियार। बीस साल पहले हरिश्चंद्र प्रसाद की ठीक यहीं पर हत्या कर दी गई थी। उन्हें मारने के लिए इस देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ था। खूनी का पता लगाने के लिए परिवार में हर किसी की उंगली का निशान लिया गया था। इसकी उंगलियों के निशान इस पर मौजूद निशान से हूबहू मिलते हैं। रुक जाओ, खून तो एक बच्चे ने किया था, उस बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हमारे भैया के साथ कैसे मिल सकते हैं बताओ। उंगलियों के निशान हमेशा एक जैसे रहते हैं, आपके बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी नहीं बदलते। इसने इनके इशारे पर हरिश्चंद्र की हत्या की है। मेरा बेटा मेरे पति को क्यों मारेगा? इसे गिरफ्तार करके ले जाने की हिम्मत है तुम में? तुम्हें यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपका बेटा आपको बिल्कुल नहीं चाहता। इसने अपने बाप की जायदाद और ऊंचे रुतबे को ठोकर मारी, जिंदगी भर घर के पीछे रहा। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गायब हो गया है, लेकिन चुपके से उसे कहीं और पाला पोसा और बचपन से ही उसे एक खतरनाक हत्यारा बना दिया। सिर्फ सत्ता के लिए इसने आजमगढ़ के पिता कहे जाने वाले हरिश्चंद्र प्रसाद को अपने बेटे के हाथों से मरवा डाला, आपके इस सौतेले बेटे ने। अरे राम प्रसाद, तुमने अपने बेटे की मदद से अपने पिता को मरवाया, ये ऐसा कह रहे हैं? तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? एक बार ना कह दो फिर देखो यहाँ के लोग इनका क्या हाल करते हैं। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो बेटा, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दो बेटा। यही सत्य है। क्या? मत छूना मुझे। तुमने तो उनका पिंड दान किया था, अब कहते हो तुम ही ने उनकी हत्या करवाई। आज तो बेटा तुमने उनकी आत्मा की भी हत्या कर दी। आज तक मैंने यही सुना था कि पिता अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, पर आप तो पहले ऐसे बाप होंगे जिसने अपने बेटे को एक हत्यारा बनाया है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे अंकल कि आपके महान होने के पीछे इतना इतना भयानक आदमी छिपा हुआ है जिसने सत्ता पाने के लिए अपने पिता को मार दिया। आपके इस घिनौने काम को देखकर हमारा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। इसे तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए, काट दो इसे। कौन बोला? किसने ये जुर्रत की? डीजीपी, इससे पहले कि लोग इन्हें गुस्से से मार दें, इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ। आपने जो भी किया वो देखने से पहले काश मैं मर जाता। क्या कहा तूने? तुझे देवता को भगवान कहने में शर्म आ रही है? आज आजमगढ़ ने अपना भगवान खो दिया है। क्या भैया, आप अपने पिता के हत्यारे की तरफदारी कर रहे हो? सिर्फ तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसे दिल से पूछता हूँ और पूछता रहूंगा। क्या कहा था मेरे भाई को? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब सरकार ने भी तुम्हारी परवाह करना छोड़ दिया था, तब मेरे पिता ने तुम्हें अपना बच्चा मान के तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए अपना खाना पीना उठना बैठना सब भूल गए थे। मेरा भाई एक पहाड़ की तरह उनके पीछे हमेशा उनकी रक्षा करता रहा। अब बोलो।